एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून. दिस इज रूपम चिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर. आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. आज के इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए दिए गए टॉपिक के अनुसार वर्ड स्वैप के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर यहाँ मैं आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ. तो सभी बच्चों से मेरी दरख्वास्त रहेगी कि एक बार अपने सारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है. तो शुरुआत करेंगे सेशन की, आगे बढ़ेंगे. आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार अगर आप चैनल पर यहाँ जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज हर एक एग्जाम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेटिव ही नहीं आपके सब्जेक्ट से जुड़ी हुई हर एक टॉपिक की वीडियोस आप लोगों को हम लोग यहां तक यहां से पहुंचाते रहते हैं. तो सभी स्टूडेंट्स को अपने यू नो सभी स्टूडेंट्स को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है. राइट, बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे. अड्डा 24/7 का ऐप अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया बच्चों तो भाई ज़रूर कर लेना, बिकॉज ऐप में ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. करंट अफेयर्स आप लोगों को मिल जाएगा, डेली क्विजेस, मैगजीन, नोट्स एंड आर्टिकल्स, वीडियोज़, पार्क कैप्सूल्स और आपका सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, जॉब अलर्ट्स और बहुत ही प्रीमियम स्टडी मटेरियल. इसमें से कुछ चीज़ें पेड ज़रूर हैं लेकिन कुछ चीज़ें टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं. आप ऐप डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक जो है वो इसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, कहीं ढूंढने की भी आपको ज़रूरत नहीं है. वेलकम टू द क्लास श्रीराम. आगे चलते हैं. अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी चैनल. सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा. चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे. और दो रोज दोपहर 3 बजे हम वाव वोकैबुलरी का एक सेशन करते हैं जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए वैसे तो इंपॉर्टेंट है. तो आप अगर अपनी वोकैबुलरी पर कमांड करना चाहते हैं डू ज्वाइन मी हियर इन एट लाइव एट 3 पीएम. ज्वाइन इन लाइव सेशन एट 3 PM. ओके, आगे चलते हैं. और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी वापस से एक बार आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फिर से अड्डा 24/7, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं. ठीक है, IPS क्लर्क है, PO है, SBI क्लर्क, SBI PO आगे आने वाले हैं. तो भाई अब से जो है माहौल, मतलब अब से नहीं, खैर कुछ दिनों पहले से ही जब से LRBs के नोटिफिकेशन आए थे तो एग्ज़ाम का एक माहौल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है ना. राइट, तो भाई सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कल सभी दोपहर 2 बजे कल सभी स्टूडेंट्स को दोपहर 12 बजे यहाँ पर ज़रूर जुड़ना है सेम इसी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही अच्छा अमेजिंग हम लोगों ने प्लान किया है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आप लोगों की तैयारी में. तो गिव अवे में आप लोगों को ज़रूर जुड़ना है. कितने बजे? 12 बजे कल दोपहर 12 बजे कल यानी कि 24 अगस्त को. ठीक हो गई बात, चलते हैं यहाँ से आगे. और ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी कि रिसोर्सेज हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं. अड्डा 24/7 हमेशा ही आप लोगों की हेल्प के लिए आगे रहता है. तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आप ऑलरेडी आपको लग रहा है कि अच्छी खासी तैयारी मेरी चल रही है, इनमें से किसी भी टेस्ट सीरीज में आप एनरोल कर सकते हैं. Y406S कोड का इस्तेमाल करके आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा. साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स को ये भी याद रखना है कि LIC HFL की बुक किट भी एक अवेलेबल है और आज बुक्स पर 20% ऑफ दिया जा रहा है. तो आप सेम इसी कोड का इस्तेमाल करके किताबें अपने घर तक मंगवा सकते हैं. ये कुछ ऐसे बैचेस हैं जो हम लोग LIC HFL को टारगेट करते हुए शुरू कर रहे हैं. 29th से शुरू होंगे, थोड़े से चेंजेस हैं यहाँ पर, 29th से शुरू होंगे. राइट गाइज, और ये अपना बैच है जो कि आपका IPS PO का बैच है. ठीक है, ये भी हमारा शुरू हो रहा है 29th से ही. Y406 कोड का इस्तेमाल करके आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट. राइट, सारी चीजें जितनी भी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही हैं ये सब का सब बैंक महापैक का पार्ट है. तो मैं ये कहूंगी कि अलग अलग एनरोल करने से बेटर है कि आप सिर्फ इसी में एनरोल कर लें तो बेहतर रहेगा. ठीक है, चलते हैं यहां से अब क्वेश्चंस की तरफ. वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस यहां पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, जल्दी से पढ़ेंगे और सभी स्टूडेंट्स को पढ़कर बताना है कि दिए गए क्वेश्चन में क्या यहां पर वर्ड स्वैप है. वर्ड स्वैप क्या होता है, जैसे कि पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को. ये वर्ड्स जो ए बी और सी से मार्क्ड हैं ये शायद सेंटेंस में अपनी जगह नहीं लिखे गए हैं. ठीक है, आपको सेंटेंस को पढ़ना है और इनको बेसिकली इनके प्रॉपर जगह पर आपको पुट करना है. राइट, और ये बताने के लिए कुछ ऑप्शंस भी यहाँ हमारे सामने हमारे साथ जुड़े हुए हैं. ऑप्शन हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, ऑप्शंस यहाँ स्क्रीन पर लिखे हैं. ठीक है, तो आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि क्वेश्चन को पढ़कर ऑप्शंस को पढ़कर जल्दी से आंसर बताने की कोशिश करें. इस पूरे ही लेक्चर को हम लोग थोड़ा सुपर फास्ट रखेंगे. ठीक है, क्योंकि इसके तुरंत बाद फिर आपको पता है कि 3 बजे भी एक सेशन ज़रूर होता है ना. राइट, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को लेकर चलेंगे. सो यहाँ हमारा ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, आश्वी
हिमांशी और दीप का आंसर आ चुका है, श्रीराम का आंसर आ चुका है, मनीषा का भी आंसर आ चुका है. देखो क्या कह रहे हैं कि सम स्टाफ वांटेड टू विटनेस, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो वांटेड टू रेज हो सकता है, विटनेस नहीं होगा, तो इसका मतलब सी तो पहले आएगा ही आएगा. अगर सी पहले आएगा तो ये दोनों आंसर बनेंगे ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर बन जाएगा. मुझे कैसे पता चला, मुझे ऐसे पता चला टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, राइट ये बात हम जानते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पर विटनेस लिखा गया है और ये एडजेक्टिव है और यही मेरी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो सी से तो शुरुआत होनी ही थी, ठीक है, इसलिए ये मेरा आंसर बनेगा. अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करें. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द नॉर्थ कोरिया टेक सॉरी द लॉन्च टेक्स नॉर्थ कोरिया अ स्टेप टेस्टिंग टू फुल्ली स्क्रैपिंग अ सेल्फ इम्पोज्ड मोरेटोरियम ऑन क्लोजर इट्स लॉन्गेस्ट रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. तो यहाँ पर मैं जो पढ़कर समझ पाई वो ये कि भाई देखो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही होगा, बैलिस्टिक क्लोजर या फिर टेस्टिंग तो होगी नहीं, ठीक है. सो सी अपनी जगह बिल्कुल फिक्स रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा. क्लियर हो गई बात. सौरभ का आंसर बिल्कुल ठीक है, दीप का आंसर भी बिल्कुल ठीक है, हिमांशी, रजत और बाकी बच्चों का भी आंसर बिल्कुल ठीक है. अ स्टेप क्लोजर, वेरी गुड. सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करें. वेरी गुड निकिता, बहुत अच्छे. अबाउट 1400 US flights were stormed after northeastern part of the country was walloped by a fierce winter cancelled. अ विंटर स्टॉर्म होगा या फिर विंटर कैंसल्ड होगा? विंटर स्टॉर्म होगा ना, इसका मतलब जहाँ सी लिखा गया है वहाँ पर ए आना चाहिए. ए कहाँ पर है लास्ट में? सिर्फ यहीं पर तो है ए. सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड रजत. निकिता का तो पहले ही आंसर आ चुका था. श्रीराम, पलक, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है बच्चों. सी बी ए इज द करेक्ट सीक्वेंस. अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करें. और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें. वेरी गुड. नो वन कैन डिनाई दैट दुबई हैज डिवेलप्ड इटसेल्फ एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हॉटस्पॉट्स ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म. सो मेरे ख्याल से हम सब पढ़कर समझ पा रहे हैं कि दिए गए सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, तो इसमें किसी भी तरीके से कोई भी वर्ड को रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. इज दैट ओके? अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करें. वेरी गुड, बहुत अच्छे. हिमांशी, अंकुर, रवि, सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है. ए सी बी, चलिए पढ़ लेते हैं. लिखा गया कि आई एम प्रोमिसिंग, हम जानते हैं कि इस एम आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आई एन जी फॉर्म ही आती है, तो इसका मतलब ये तो सही लिखा गया है, ए तो अपनी जगह आएगा ही आएगा. अगर मैं इस बात को समझ पा रही हूँ कि ए अपनी जगह आएगा ही आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर ये बी से शुरू है, ये तो आंसर तो ऑप्शन नंबर बी डन हो गया. फिर भी एक बार सही तरीके से पढ़ लेते हैं ना. तो कह रहे हैं कि आई एम प्रपोजिंग अ न्यू प्रोविजन परमिटिंग टैक्स पेयर्स टू फाइल एन अपडेटेड रिटर्न ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल टैक्स. ठीक हो गई बात. सो ए सी बी इज द करेक्ट सीक्वेंस. अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर दिस वन. वेरी नाइस, यू गाइज आर डूइंग वेरी वेल. आज मुझे भी अच्छा लग रहा है आज ना बहुत, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बच्चे जो हैं बहुत ही कम पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ज़्यादातर बच्चों का जो फोकस था वो IBPS RRB था, है ना, PU का एग्ज़ाम जो था. बट फाइनली अब यहाँ दिखाई दे रहे हैं शिवी, अंकुर और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं, रजत हैं, हिमांशी हैं, श्रीराम हैं. सो ये अच्छी चीज़ है, मतलब मेरे लिए भी काफ़ी इंकरेजिंग है. सो या लेट्स आंसर दिस वन. तो कहता है मेरा सेंटेंस कि द मूव इज गोइंग टू इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव द इन्वेस्टर सेंटिमेंट फ्यूलिंग ग्रोथ इन द कैपिटल मार्केट रिजल्टिंग इन इकोनॉमिक ग्रेटली. इकोनॉमिक ग्रेटली तो होगा नहीं, इकोनॉमिक जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि एक वर्ब को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि एडजेक्टिव
इकोनॉमिक जो है वो एक एडजेक्टिव है जो कि एक नाउन को क्वालिफाई करेगा, वर्ब को क्वालिफाई नहीं करेगा. वो सॉरी, ये तो एडवर्ब है ना, तो ये एडवर्ब को तो क्वालिफाई करने का काम एडवर्ब खुद ही करता है. और ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव है तो यहाँ पर क्या चाहिए हमें, नाउन चाहिए. तो ये भी नाउन है और ये भी नाउन है. इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या होगा आंसर बताओ जल्दी से, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट. इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली. सो लास्ट में यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि ऑप्शन नंबर बी लास्ट में आएगा. तो ये आंसर नहीं बनेगा, ये आंसर नहीं बनेगा. हमने यहाँ पर क्या जाना था कि बी लास्ट में आएगा, तो ये दो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पर बचे. अब देखो, अब स्टार्टिंग करते हैं. कह रहे हैं कि क्या द मूव इज गोइंग टू इन्वेस्टमेंट इम्प्रूव नहीं होगा, ग्रोथ इम्प्रूव तो नहीं होगा, ग्रेटली इम्प्रूव ऑब्वियसली. सो यहाँ पर सी से शुरुआत करेंगे, सी यहाँ आ जाएगा. और फ्यूलिंग इम्प्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. ए यहाँ आ जाएगा और लास्ट में आपका सी ए बी कैब, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ग्रेटली इम्प्रूव, बहुत सही आप लोगों ने बोला, क्योंकि दिखाई दे रहा है यार, ये मेरा वर्ब है ना, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, आप सभी जानते हैं, एडवर्ब चाहिए. तो ये एडवर्ब यहाँ क्या काम कर रहा है, इसको वहीं रखना पड़ेगा ना. सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा. वेरी नाइस, कीप इट अप. अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करेंगे. सी ए बी, अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं, जल्दी से पढ़ लीजिएगा. लिखा गया है कि इम्पेंडिंग ऑन इनकम टैक्स इज अ ह्यूज पॉजिटिव स्टेप फॉर द क्रिप्टो इंडस्ट्री, रिमूविंग एनी क्लैरिटी पीपल हैड अबाउट द फियर बैन. वेरी नाइस, एनी फियर होगा ऑब्वियसली. देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, लिखा है इन्होंने कि इम्पेंडिंग ऑन इनकम टैक्स इज अ ह्यूज पॉजिटिव स्टेप बोल रहे हैं, ठीक है, फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री, रिमूविंग एनी फियर होना चाहिए ना, पीपल हैड अबाउट द जो भी होगा आगे, मतलब लोगों के मन से डर खत्म करने की बात कर रहे हैं रिगार्डिंग ऑल दिस, राइट. सो यहाँ पर जहाँ ये एनी क्लैरिटी लिखा गया, यानी कि बी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. इसका मतलब नहीं पता मुझे कि यहाँ क्या होगा और यहाँ क्या होगा, लेकिन ये तो पता है मुझे, ऐसे ही एक शब्द को पकड़ के आंसर कर लो बस, ठीक है, ऐसे ही एक शब्द को पकड़ कर हमारा आंसर बन जाएगा. अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर सी है, ठीक है, और यहाँ पर सी है, इसका मतलब ये आंसर नहीं बनेगा और ये भी मेरा आंसर नहीं बनेगा. तो अब देखा जाए तो क्या होगा, अब यहाँ हम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्लैरिटी और इनकम टैक्स इज अ ह्यूज पॉजिटिव स्टेप, मतलब थिंग्स मस्ट बी क्लियर ना. सो ये काफ़ी बड़ा स्टेप होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ऐसे करने से क्या हो जाएगा, लोगों के मन में जो डर है वो निकल जाएगा. पीपल एनी फियर पीपल हैड अबाउट दी इम्पेंडिंग बैन, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट में ये ए आ जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा मेरा बी सी और ए, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. इज दैट ओके. अगला क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करेंगे प्लीज. वेरी नाइस अंकुर, कीप इट अप. C A B, okay. So the question says the financial welcome for the digital payment ecosystem is a reaffirms move, okay, and further support the government of India's digital banking push. सो आप सभी को पता है कि ए हो या एन हो, ये क्वालिफाई करते हैं, मतलब लिखे जाते हैं नाउन के साथ, उसको डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने के लिए, राइट. और ये भी आप जानते हैं कि नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही होना चाहिए, राइट गाइज. यहाँ क्या लिखा गया है, रीअफर्म्स मूव, और ये क्या है, ये मेरा नाउन है. कभी आपने ऐसे लिखा, ऐसे बोला है कभी कि यू आर ब्यूटिफुल गर्ल्स, ऐसे बोला है कभी, यू आर ब्यूटिफुल गर्ल्स. यार देखो बहुत ही कम लाइक्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, अगर आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है तो गिव इट अ थम्स अप यार. हाँ सभी बच्चे एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, पूरे 100 लाइक कम है, और यहाँ बच्चे देखो कितने एक तो वैसे, और ऊपर से लाइक भी इतने कम, तो दिस इज़ क्वाइट डीमोटिवेटिंग ना. तो एक बार लाइक कर दो अच्छे से सभी बच्चे. वेल टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, इस मूव को, ठीक है,
राइट, कभी भी एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता, तो ये रीअफर्म्स तो यहाँ गलत है. तो मूव कैसा हो सकता है, अ सपोर्ट मूव या वेलकम मूव. अ वेलकम मूव जहाँ पर चीज़ों को विलिंगली एक्सेप्ट किया जा रहा है, जिसकी भी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, उसको लोगों के द्वारा विलिंगली क्या हुआ, क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, हाँ कहा जा रहा है लोगों के द्वारा. ठीक है, सो ऐसे में हम ये क्या जान गए, यहाँ पर बी की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा. यहाँ पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये वाला ए पक्का है. तो ये पक्का है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा. ठीक है, अब चलो समझते हैं. लिखा गया है द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम इज अ वेलकम मूव एंड फर्दर व्हाट, फर्दर रीअफर्म्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डिजिटल बैंकिंग पुश. व्हाट डू यू गाइस से, क्वेश्चन नंबर 8, ऑप्शन नंबर सी आंसर बनेगा या फिर ए आंसर बनेगा, दो ही ऑप्शन बचते हैं. सो यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, द फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द, ऑब्वियसली यार इसमें क्या ही सोचना, अब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा. ओके, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, इसको पढ़ लेते हैं. अनदर क्वेश्चन इज देयर ऑन द स्क्रीन विच सेज द यूएस एंड इट्स एलीज हैव वॉर्न्ड प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन दैट रशिया विल फेस स्विफ्ट एंड टफ इकोनॉमिक कंडीशंस इफ ही अटैक्स यूक्रेन. कोई चेंजेस करने की जरूरत है, बताओ. ही सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब आएगा, और कहीं पर दिया हुआ है नहीं है, समझ में आया. वैसे ही यहाँ पर हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और किसी वर्ड को इसके साथ स्वैप कर नहीं सकते, तो कोई चेंजेस करने की जरूरत बनेगी ही नहीं. ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर. वेरी नाइस श्रेया, रजत, श्रीराम, बाकी सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है. वेरी नाइस, गिव इट अप गाइस, बिकम ए एफ ओ. ओके, सो बाकी सभी स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है. मैजिक, हिमांशी, श्रेया, निकिता, सबका आंसर सही है, रोहित का भी. अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर दिस वन. ऐसे ही रोज दोपहर 2 बजे के सेशन में आप लोगों को मैं हर तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगी. अगर आज आप पहली बार जुड़े हैं तो आप कंसिस्टेंटली जुड़िएगा, क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको करा रही हूँ. इसके पहले भी मैंने कराए हैं और मैं आगे भी कराती रहूँगी, ठीक है. लेकिन आप लोगों को खुद से कंसिस्टेंट रहना है, यू हैव टू बी हेयर एट 2. ऑलराइट, सो लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. इट सेज विलो द कैट made jumped okay an impression on Dr. Biden in 2020 when she quit up on the stage and interrupted her remark during a campaign stop. BAC, ऑप्शन नंबर ए पढ़ लें पक्का BAC के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखो ये तो क्लियर है कि शी जम्प्ड ऑन हो जाएगा. तो यहां पर इन तीनों शब्दों में यहां जो लिखा गया है बी की जगह ए आ जाएगा. तो अगर ए आ जाएगा तो या तो ये आंसर बनेगा या फिर ये आंसर बनेगा, है ना. अब देखो आगे कहेंगे क्या कि विलो द कैट मेड इंटरप्टेड या फिर विलो द कैट मेड क्वाइट एन इंप्रेशन. ऑब्वियसली ये बी से शुरुआत की जाएगी, बी ए सी करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर. इज आर ओके गाइस. क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, चलो समझ में आया, क्लियर हुआ सभी को, बी ए सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक हो गई बात. तो ये 10 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस किए हैं यू नो वर्ड स्वैप के. ऐसे ही कल भी मैं आप लोगों को वर्ड स्वैप के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी. तो सभी स्टूडेंट्स को लगातार जुड़ना है, ठीक है. लेकिन क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक होमवर्क क्वेश्चन देना मैंडेटरी है, तो यहाँ पर अब देखो ये रहा हमारा होमवर्क क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को कॉमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर जो भी होगा वो आप लोग कॉमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, और कल दोपहर 12 बजे के टाइम पर जरूर जुड़िएगा अड्डा 24/7. आप सभी स्टूडेंट्स के लिए कुछ बहुत ही खास चीजें प्लान करके लेकर आया है एक बार फिर से. तो दोपहर 12 बजे आप सभी को जरूर जुड़ना है गिव अवे के टाइम पर, क्योंकि इस सेशन में मतलब इस टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री मिलता है. तो यू हैव टू बी हियर, ठीक है. सो दोपहर 12 बजे के टाइम पर आप सभी स्टूडेंट्स को कल हमारे साथ यहां ज़रूर जुड़ना है, ठीक हो गई बात. चलते हैं यहाँ से आगे. ये PDF मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में, राइट गाइस. और ये सारे जितने भी हमारे बैचेस हैं, ये और ये भी, ये सब की शुरुआत हो रही है 29th ऑफ अगस्त से.
इनमें से किसी में भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा। आप किसी भी टीचर का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई और कोड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, दैट विल नॉट बी गुड। ओके, सो आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, इस कोड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, इस कोड का इस्तेमाल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कोई भी किताब या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो इनको पाने के लिए आप कोड यूज़ करेंगे Y406S। ठीक है, ऐसा करने से आप लोगों को सारी टेस्ट सीरीज और बुक्स पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी बुक्स पर स्पेशल छूट चल रही है 20% की, तो अगर आपको ये या फिर कोई और भी अगर आपको किताबें चाहिए तो वो सीधा किताबें आपके घर तक पहुंच जाएंगी अगर आप डिस्काउंट का इस्तेमाल करेंगे तो। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, राइट, और मेरे साथ जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी थोड़ी देर बाद 20 मिनट बाद वापस से वाव वोकैबुलरी के सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं एडवांस में स्वागत कर रही हूँ कि आप लोग आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इस बात का मुझे भरोसा है आप लोग चाहते हैं अपनी वोकैबुलरी को बेहतर करना, है ना। तो आज बी सीरीज से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल भी जुड़ना नहीं भूलिएगा। अभी के लिए इस सेशन को मैं इतना ही रखती हूँ और बाकी वापस से 40 मिनट बाद आप लोगों के साथ दोबारा जुड़ूंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू गाइस आफ्टर फ्यू मिनट्स।